सेंट जोसेफ कैथलिक कैथेड्रल रावलपिंडी से आप सबको आसिफ यूब का सलाम आइकलाम मुकदस में से आज की तिलावत सुनते हैं मुकदस लूका की इंजीर चौदवा बाप पहली आयत और सातवीं से चौदहवीं आयत तक और ऐसा हुआ कि वो सबद को फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वो उसकी घात में रहे फिर जब उसने देखा कि हम नवाले क्यों कर सदर जगह पसंद करते हैं तो उसने उनके लिए एक तमसील पेश की और उनसे कहा जब तू शादी में बुलाया जाए तो सदर जगह पर ना बैठ शायद कि तुझसे भी कोई ज्यादा इज्जतदार बुलाया गया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि ये जगह उसे दे और तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह बैठ ताकि जब वो जिसने तुझे बुलाया है आए तो तुझसे कहे ए दोस्त आगे बढ़कर जा बैठ तब तेरे सब हम नवालों के सामने तेरी इज्जत होगी क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा फिर उसने उससे भी जिसने उसकी दावत की थी कहा कि जब तू चाश्त या अशाइया की तैयारी करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाए और तेरा बदला हो जाए बल्कि जब तू जियाफत करे तो गरीबों लुंजों लंगड़ों और अंधों को बुला और तुम मुबारक होगा क्योंकि उनके पास कुछ नहीं कि तुझे बदला में दे मगर तुझे रास्त की क्यामत में बदला दिया जाएगा इन जीले मुकदस के वसीले से हमारी खतएं मुआफ की जाए ऐ मसीह तेरी सितइश हो आमीन बाप और बेटे और रोहलकुद्स के नाम में आमीन खुदामद यसू मसीह का फ़जल और सलामती आप सब सुनने वालों के साथ हो खुशपुर से एरिक सिल्वेस्टर खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को बांटने के लिए आप सब की खिदमत में हाजिर है मसी खुदावन में मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों आज हम साल के दौरान बाईसवें आम इतवार की अकदस यू इबादत में शरीक हैं आज की तीनों तिलावतों का मरकज़ी मौजू हलीमी और फ़्रोतनी है ये एक ख़ूबी और सिफ्त है जिसे हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना बहुत ज़रूरी है अज़ीज़ मोमन आज की पहली तिलावत यशु बिन सिराह की किताब के तीसरे बाब से ली गई है आज की तिलावत हमारी हदायत और रानुमाई करती है कि हम ख़ुदा बाप और अपने हम जिन इंसान के साथ गहरी उलफत और मोहब्बत रखें हमें हलीमी और फ्रोतनी को अपनाने की दावत दी गई है बेटा अपने काम हलीमी से कर हलीमी और फ़्रोतनी की बदौलत हमें ख़ुदा की खुशनुदी हासिल होगी क्योंकि हलीम और फ़्रोता इंसान ही खुदा की हमदो तोसीफ़ करता है अजीज मोमनिन आज की दूसरी तिलावत अब्रानियों की कलिसिया के नाम ख़त के बारहवें बाब से ली गई है जहाँ हमारी तवज्जे हमारी मंजिल यानी आसमानी यरूशलम की तरफ मबजूल करवाई गई है जहाँ नेक लोग खुदा की मदासराई करते हैं ये सब उसी सूरत में मुमकिन हुआ कि उन्होंने इस ज़मीन पर रहते हुए ख़ुदा की रज़ा को अवलियत दी और हलीमी और फ्रोतनी को अपनी ज़िंदगियों में अपनाए रखा अज़ीज़ मोमन आज की पाक इंजील मुक़दसलूक के मुताबिक इंजील के चौदहवें बाब से ली गई है जहाँ ख़ुदावद यसु मसी सबत के दिन फरीसियों के एक सरदार के घर खाना खाने गया खाना जिस्मानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है खाना पेट के लिए होता है ना के पेट खानों के लिए इसलिए हमें खाने पीने में इतियात बरतनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी इंसान के लिए मुश्किल का बायस बन जाता है खुदावंद यसु मसी हमें बेहतरीन नमूना देता है कि जब खाने की मेज़ पर हों तो नसीहत आमोज़ दानाई तालीमी और अकल को रोशन करने वाली बातचीत करें हमें सीखना चाहिए कि खुदा की मेहरबानी और शफ़कत से जो मौका मिला है उससे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आम बातों को भी रूहानी गुफगु में बदल दें खुदाउ यसु मसीह ने जब देखा कि फ्रीसी और आलम शरा सदर जगह पर बैठना पसंद करते हैं तो उसने उन्हें झिड़का क्योंकि जो कोई भी आता वो बेहतरीन नशस्त पर बैठने की हर मुमकिन कोशिश करता था मैं समझता हूँ हलीम सादा शाइँ और बाअदब लोग निचली नशस्तों पर बैठते हैं और ज़्यादा इज़्ज़त पाते हैं जो आला नश्तों पर कब्ज़ा जमा लेते हैं उन्हें अक्सर उकात रसवाई और ज़िलत उठानी पड़ती है उन्हें वो नशस्त किसी इज़्ज़तदार शख्स के लिए छोड़नी पड़ती है हमें सोचना चाहिए कि कितने लोग हैं जो इल्म में रिश्ते में उम्र में सफ़ात में हमसे से बरतर हैं हम सिर्फ़ अपने ओहदे और दौलत के बाल बोते पर सब कुछ भूल जाते हैं शायर हैदर अली आतश ने क्या खूब कहा है जो ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं सराई सर होकर भरा करती है पैमाना खुदामद मसीह कहता है जब तू ज़ियाफ़त में बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह पर जाकर बैठ ये जानते हुए कि तेरे दोस्त ने उन मेहमानों को भी बुलाया है जो दर्जा में तुझसे बेहतर हैं बुलंदी पर जाने का बेहतरीन तरीका ये है कि नीचे से शुरू करो तब उन सब की निगाह में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज़्ज़त होगी एक दफ़ा का ज़िक्र है एक बादशाह ने तीन आदमियों को ज़ियाफ़त में मधु किया एक सब से आला निशिस्त पर जा बैठा उसका ख्याल था कि मैं हाकम हूँ दूसरा उससे निचली नशस्त पर जा बैठा उसका ख़्याल था कि मैं साहिब हमत हूँ तीसरा आदमी ये ख्याल करते हुए निचली नशस्त पर बैठ गया कि मैं हलीम और फ़्रोतान हूँ बादशाह आया तो उसने फ़्रोतान आदमी को सबसे ऊंची जगह पर और हाकम को सबसे निचली निश्चित पर बैठाया खुदाव यु मसीह ने बड़ा होने का गुर भी बताया है जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा मैंने मुशायदा किया है बहुत से लोग दिखावे और नाम की खातर ज़ियाफ़तें करते हैं गरीब परवरी और मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए खुदाउंद यसु मसीह दर हकीक़त हलीम है हमें हलीमी और फ्रोतनी उसी से सीखनी चाहिए क्योंकि उसने ख़ुद कहा ऐसा थके मान दो और बोझ से दबे हुओ मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे आए आज खुदा से ख़ास दुआ मांगें कि खुदा हर किस्म के तकबर और गरूर को हमारी जिंदगियों से निकाल दे और हमें दिल के हलीम और फ़्रोतान बनाए मसी खुदा के वसीले से आमीन